कर दे। आवाज आ रही है शिमला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें कौन कौन है? शिमला, अदीना और कौन है? चले सब आते जाएंगे, मैं शाम साहब को बुला लेती हूँ ताकि आप लोग की शुरू हो जाए। ना करें जो आम लोग करते हैं। आपकी ये सेशन अटेंड करने का फायदा ये हो कि जो चीज़ें आपको साल डेढ़ साल बाद पता चल रही है वो पहले बता दें। बाकी आपने एक्सप्रेशंस क्या हैं, बोलना कैसे है, ये तो आपने नहीं प्रयोग करना है। और ये चीज़ें जाहिर है आप इस पर सोचेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो आप बैठते ही बोलना नहीं शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक्टिंग है, जिसे आप वॉइस एक्टिंग कहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ गए और डायलॉग बोल दिए, आपको चीज़ें चेंज करना पड़ती हैं अपने अंदर। मैंने इनके साथ जो पिछला ड्रामा किया वो एक मुशीर का था, इब्राहिम मेरा सुल्तान। तो अगर आप अल्लाह करे एक्टर बन जाए आप सब, और आपको कोई स्क्रिप्ट दिया जाए, कहीं आगे आपको कोई स्क्रिप्ट दिया जाए और स्क्रिप्ट देखने के बाद आप जो है वो एक दो पेज पढ़ेंगे और उसके बाद जाहिर है क्या पूछेंगे, डायरेक्टर से पूछेंगे यार कैरेक्टर है क्या? ऐसे ही होगा। अब जब आपने उससे पूछा ना कैरेक्टर क्या है, तो वो शुरू क्या करता है? वो कहेगा एक गरीब लड़की है, उसकी माँ सौतेली है, उस पर बहुत जुल्म करती है, उसकी ये एज है, उसने इतना पढ़ा हुआ है। अगर जो बाला पढ़ता है वो एक उसकी सौतेली माँ है, उससे पढ़ता है, इसकी एक बहन है जो जाहिर है कि ये सौतेली है और वो सगी है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटीज़ मिलती हैं, सारी तकलीफ बुनियादों पर सारे काम उसके होते हैं। ये अंदर से बहुत पुरती है, ये अपने आप में बातें करती है, इसके अपने बहुत सारे ख्वाब हैं, ये बहुत कुछ करना चाहती है, पढ़ना चाहती थी और उसने जो है वो इंटर तक पढ़ा और उसके बाद जो है वो भी तब्दील है। जब नाम तब्दील है तो जाहिर है आपने उसको जिस तरह से कंसीव किया है वो डिफरेंट है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है कि आर्टिस्ट और जो डायरेक्टर है वो उसको उस तरह से कंसीव कर लें कैरेक्टर को जिस तरह से दोनों चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि डायरेक्टर कुछ और कंसीव करके बैठा है और एक्टर जब उसको एक्ट करने आया तो वो उसको डिफरेंट तरीके से कंसीव कर रहा है। ठीक है, मसलन अब वो इतनी गरीब लड़की है, इंटर तक पढ़ी हुई है और वो कह रही है आई विल डू इट डोंट वरी। आप बोलेंगे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो गरीब थी। अच्छा वो गरीब थी, चलो चलो ठीक है भाई। समझ रहे आप, ये फर्क है बुनियादी तौर पर। इसी तरीके से अगर वो गरीब लड़की तो उसका जो टोन होगा वो क्या बहुत कोई मगरूर एटीट्यूड के साथ, बहुत जो चालाक आदमी है उसका टोन बिल्कुल डिफरेंट होगा चालाकी वाला। फिर अनापरस्त अगर कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा यूएसटी जिसे हम कहते हैं, उनका एक उनकी मिजाज ही नहीं मिल रहा होता है ना, मिजाज ही नहीं। जब उसको डब करना शुरू करेंगे तो आपकी अपनी ये हालत भी ऐसी ही होनी चाहिए और आपने इसी तरह से बीच के हर लफ्ज़ को बोलना होगा, तब वो बैठेगा। ये छोटी सी आप इसको समझ लें, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि इसकी तारीफ क्या है और हम कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेजेस पर। क्या अब फिल्म्स की डबिंग होना बंद हो गई है? नहीं, अभी भी हो रही है, जब फिल्म बनेगी तब होगी। इसी तरीके से कमर्शियल की डबिंग होना बंद हो गई है? नहीं, वो अब भी डब हो। ऐसे बोलो जब मैं कहूँगा आयशा बात समझ आ रही है, नहीं बोलो करीब है। मैं चला गया रिफा अंजुम, मैंने कहा रिफा सब ठीक है, थोड़ा सा लाउड हो गया। और मैं गया आमना, समझ में आ रही है बात? और मैं कहूँ उस्मान चाय बहुत अच्छी थी। ये इसलिए होगा कि जितना दूर आपसे बच्चे, जैसे अब आप लोग पेरेंट्स भी हैं आप में से बहुत सारे लोग ना, बच्चा जैसे हाथ छुड़ा के भागता है आप कहेंगे उसको आमना आमना आमना, वो क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चा आपसे दूर जाता जा रहा है, तो ये नेचुरली आप ऐसा बस बेटा हो गया थैंक यू
नेचुरली ऐसा होता है कि आप उसको जोर से आवाज देने की कोशिश करते हैं कि मेरी आवाज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप चिल्लाएंगे तो माइक का जो सेंसर है वो कहेगा बीबी नहीं, चिल्लाओ नहीं। क्यों? माइक की बनावट इसलिए है कि वो आपकी कम आवाज को बड़ा करके आगे भेज दे, इसीलिए ना, वरना माइक क्यों है? वॉइस ओवर की लैंग्वेज में ब्लास्ट हो जाएगा। क्या आपने जो जुमला बोला है उसका साउंड ऐसे आएगा जैसे फटा फटा सा साउंड, बिल्कुल चुप रहो। समझ रहे मेरी बात? मैंने जो इसकी टेक्निक निकाली है कि ये फील कैसे हो कि मैं किसी दूर वाले शख्स से बात कर रहा हूं या मैं किसी करीब वाले शख्स से बात कर रहा हूं, मैंने अपना फॉर्मूला ये निकाला कि मैं उस माइक को फील करता हूं कि वो मुझसे कितना दूर, उस कैरेक्टर को फील करता हूं कि वो मुझसे कितना दूर, और कोई नहीं। जो फर्क है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, करके देखते हैं इसको थोड़ा सा। सैयदा शिमजा शरीफुद्दीन शाह, आप लोगों ने नोट नहीं किया, वो बोल भी गए, उसने बराबर वाले को कहा कोई भी जुमला बोल दो और इनसे कहा कोई भी जुमला बोल दो, ये फर्क है। आयशा, मैं ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? कुछ नहीं। और आमना से पूछो कब आई थी आज? फर्क है ना, फील हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये फर्क आपने माइक पे रखना है कैरेक्टर्स बोलते हुए, अगर कोई दूर है तो उसको कैसे हो गए अर्तुरुल कहाँ जा रहे हो? अब मैं इतना चीखूंगा तो मुझे माइक भी तो देखना है, तो उसने कैसे चीखा भी और कंट्रोल करके बोला अर्तुरुल कहाँ जा रहे हो? मैं वहां से कह रहा हूँ शिकार पे जा रहा हूँ भाई, समझ आ गई मेरी बात? ये डिस्टेंस आपने मेंटेन भी बोलते हुए दो सूरतें पहले सांस ले लो, अब सीखने की नियत से देखो, ड्रामा ना देखो। देखो फर्क टोन का देखा, वहाँ झिझक थी, कोई मसाइल थे, सब डरे डरे हुए ये वो, और टोन आपको कितना फ्रेश मिलेगा जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो अब आपको उस तरह से बात करनी हो गया जी। किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि किसी ने कंप्लेन की है हमारी तो इस वजह से आपको फादर ऑफ द ईयर की एक्टिंग करनी है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए, बस ठीक हूँ। फील करना है कि आप बिजली चोरी कर रहे थे और लोग घर में आ गए देखने, इस तरह की कोई चीज सोचे ना या आपको टेंशन होगी ना, जाहिर है तो बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं, वो अकेले रहते हैं, परेशानी आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, आ रही है? परेशानी आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है, और ये कंसर्न कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है, पूरी बात भी समझानी है और लहजे में परेशानी रहनी चाहिए सारी लाइन में। दोबारा बोल रहा हूँ बाबा, बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी, किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में, अब मैंने कहाँ कहाँ स्ट्रेस दिए हैं वो याद करें, और आपने उसको ऐसे ही बोलना है, मैं कहाँ कहाँ स्ट्रेस दे रहा हूँ उसको मार्क करें, फिर आपने उसको ऐसे ही बोलना है। बाबा बात सुने। नहीं बाबा बात सुन, बात पे स्ट्रेस दे बाबा, बात सुने, सुने क्यों नहीं करना, सुने को गिराएं, बाबा बात सुन, बाबा बात सुने, मतलब आप आगे कोई बात बोलनी है अभी नहीं बोलनी, फोन आपका ऐसा आना चाहिए कि बात खत्म हो, बाबा बात सुनो, बात सुनो, बाबा बात सुनो, बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, अब इसको परेशानी में बताएं, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, सोशल सर्विस से खातून, परेशानी तो ले आओ, परेशानी चाहिए, सोशल सर्विस से नहीं, परेशानी नहीं आ रही, पहले में परेशानी चाहिए, बाबा बात सुनो, उसने तभी ऐसे बोला था, ठीक है, बाबा बात सुनो, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, बता रही हूँ, सुन रही हो क्या हो रहा है, ये वॉलेट हो गया, सुन रही हो, ऐसे बोल रहे, बाबा बात सुनो, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारी, कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ तो उनके माँ बाप नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। दोबारा बोलेंगे,
परेशानी। बाबा बात सुने। परेशानी। बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। नहीं ना, अंदर बोलना है, परेशानी में बोलना है, लोग बोलना है। बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। इसके कान में बोल दो यार, कैसे बोलोगे? बाबा बात सुने। हाँ, ये क्या है, ये तो समझा रहा हूँ, करीब बैठे हैं लोग, एक दूसरे से बहुत करीब है, आपने जोर से नहीं बोलना लेकिन परेशानी लानी है। बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। फिर ऊपर होंगे। अच्छा बैठ के बोल दो। हाँ। लेकिन ये कि ये बराबर में बैठे बाबा, अब इनसे कैसे बात करनी है, परेशानी है। देखो थोड़ी देर के लिए इजी हो जाओ, तो बात मैं समझा रहा हूँ। आपके बराबर में आपके वालिद बैठे हैं, वालिद से ऊंची आवाज में बात नहीं होती, फिर परेशानी भी आ गई है। अब वो टोन क्या होगा, और छुपानी भी है बात, बेइज्जती वाली बात। बाबा बात सुने। शर्मिंदा क्यों नहीं हो रही? परेशानी है, शर्मिंदगी वाली बात होनी, शर्मिंदगी फील करें, परेशानी फील करें। बाबा बात सुने। नहीं बाबा बात सुने। बाबा बात सुने। सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे पास। बताना है लेकिन सोशल सर्विस से थोड़ा सा, ये एक ऐसी चीज है जो किसी को बतानी नहीं है, छुपानी है, तो कैसे बताएंगे? बाबा बात सुने। सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। पकड़े गए, अब जुर्माना है और बेइज्जती भी बहुत होगी। पड़ोसन जिसको ताने देती थी तुम, उसको पता चल जाएगी ये बात, फील करो ये सारी बात, ठीक है? जिस पड़ोसी को ताने देती थी कि तुम चोर हो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और उसको उससे छुपानी है बात, वो फील करके बोलना। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है बल्कि वो अकेले रहते हैं। अच्छा, ये लाइन एक साथ थी, और एक लाइन एक साथ थी तो इसका कोई टाइम था, वो तेज बोलनी है कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी, किसी ने कंप्लेन की है हमारी के बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। के बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। बेहतर था सांस लेके, पूरा सांस लेके बोले, एक साथ बोलेंगे सांस नहीं भूलना चाहिए। के बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। के बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने हमारी कंप्लेन की है कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, कितने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। अच्छा, इसको याद करके ठीक से बोल दो, और आखिरी लाइन की टाइमिंग तेज है, परेशानी थोड़ी सी और ऐड करनी है, और छुपानी है बात, परेशानी ऐड करनी है और छुपानी है बात, फिर बोल रहा हूँ, परेशानी ऐड करनी है और छुपानी है बात, बात को छुपाना है। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारे बच्चों के साथ माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। तीन लाइनें अच्छी थी, चौथी अच्छी करके बोले कि बच्चों के साथ, कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। परेशानी, बच्चों के साथ। जी सर, बच्चों के साथ उनके माँ बाप। अरे एक साथ बोलना था, एक साथ बोलना था। हाँ, वो लाइन एक है, मैं बोल रहा हूँ सुने, कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं घर में। बच्चों के साथ उनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं। बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से एक खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी कि बच्चों के साथ इनके माँ बाप नहीं है, वो अकेले रहते हैं। अच्छा बोला था, लेकिन जो पॉज था, जहाँ उसका मुंह रुक रहा था, आपने आगे बोल दिया, वो नहीं करना। जो पॉज है वो पॉज देना है, वो मजबूरी है, क्योंकि आप नहीं बोल रहे, वही बात, उसने बोला हुआ है। बाबा बात सुने, बाबा बात सुने, बाबा बात सुने, बाबा बात सुने, सोशल सर्विस से एक खातून आई थी हमारे घर, किसी ने कंप्लेन की है हमारी तो बच्चों के साथ इनके माँ बाप नहीं रहते, वो अकेले रहते हैं। बेहतर था, चेंज हो सकता था, तीसरा चेंज हो सकता था, किसी ने कंप्लेन की है हमारी, आप उसी तरह से बोल रही हैं जैसे बोल रही थी, मैं कह रहा हूँ किसी ने कंप्लेन की है हमारी, किसी ने कंप्लेन की है हमारी। हाँ, कि बच्चों के साथ इनके माँ बाप नहीं है। हाँ, बाबा बात सुने, नहीं बाबा बात सुने, बाबा बात सुने।
ये बात यहाँ तक भी अच्छा है, बट पॉइंट यही है कि आपने उसको डिलीवर भी करना है कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप को नहीं, वो अकेले रहते हैं। कान अपना इसका वो अकेले रहते हैं घर में, स्लो नहीं करना। आप कह रही वो अकेले रहते हैं घर में, नहीं, घर में को ड्रॉप करना, घर में जो लफ्ज है ना उसको ड्रॉप करके आपने बात खत्म कर दी। हम किसी को कहते हैं अच्छा अल्लाह हाफिज, हाँ ये एक अलग बात है, और मैं कहूँ अच्छा अल्लाह हाफिज, डेफिनेट कोई चीज होती है ना जो आपने बिल्कुल बात डेफिनेट एंड करनी है, वो ये मैं कैसे एक तरह से बोलूँ। बोलिए बाबा बात सुनो, सोशल सर्विस से एक खातून आई थी हमारे घर, बाबा बात सुनो, बात सुने हमारे घर, बात सुने हमारे घर, एक तरह से चेंज कर, बाबा बात सुनो, सोशल सर्विस से खातून आई थी हमारे घर, बाबा बात सुनो, खातून आई थी हमारे घर, लेके आई थी, नहीं खातून आई थी, खातून आई थी, सब ठीक है। हाँ जी मामी के लिए रहते हैं, याद नहीं हो सकती, थोड़ी देर भी हो सकती है, उसको याद करके बोलिए, जब आप याद करके बोलेंगे तो बेहतर एक्सप्रेस कर सकेंगे, फिर आपको ये नहीं होगा कि अच्छा लिखा हुआ क्या, फिर आप फील करके बोलेंगे। Media Minds, trendsetter in media training.